नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दिलशाद। कृषि नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरबी की खेती के बारे में। अरबी जिसे आप घुइयां के नाम से भी जानते हैं, हमारे साथ में एक हमारे किसान साथी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है और इसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग होता है, कौन कौन से रोग आते हैं। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखते रहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, इनसे परिचय लेते हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे किसान दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। अपना नाम बता दीजिए कि क्या नाम है आपका। दिनेश कुमार जी चौहान। दिनेश कुमार चौहान, आप किस गांव में रहते हैं? ग्राम ग्वारी ननुपुरवा। ग्वारी ननुपुरवा, जिला का नाम? जिला सीतापुर। जिला सीतापुर। तो आपने इस समय कौन सी खेती कर रखा है? घुइयां की। घुइयां की जी। अच्छा अच्छा, तो आप इसमें घुइयां की जो है बुआई किस महीने में करते हैं? माघ में करते हैं। माघ में। माघ मतलब आप मार्च के समथिंग करते हैं ना। अच्छा, तो आप जब घुइयां की खेती करते हैं तो आपने इस समय कितने एकड़ में कर रखा है, मतलब कितने बीघे में कर रखा है? ढाई बीघे में। ढाई बीघे में। तो आप जब ढाई बीघे में इसकी खेती करते हैं तो इसमें आपको कितने बीज की आवश्यकता होती है? अब तीन या चार। तीन या चार महीने में हो जाती है। लेकिन इसमें जो आप घुइयां का बीज लगाते हैं नीचे, तो वो कितने आवश्यकता होती है एक बीघे में लगभग? एक बीघे में लमसम में बुआई के समय। हाँ, बुआई के समय बिया लगता है इसमें एक कुंटल दस वर्ष या समय लगता है। लगभग आपका एक कुंटल के आसपास में लग जाता में लगता है। चलिए अच्छी बात है। तो आप जब इसकी बुआई करते हैं तो उस समय कोई खाद वगैरह डालते हैं या फिर ऐसे सीधी बुआई करते हैं? लगता है। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी खाद डालते हैं? इसमें डीएपी लगती है जी जी। इसमें जिंक पोटाश लगती है। अच्छा, तो आप जब बुआई करते हैं तभी डाल देते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो उस समय आप डीएपी की कितना मात्रा लेते हैं एक बीघे में? एक बीघे में लमसम वहाँ एक बोरी डीएपी पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, और पोटाश की मात्रा कितनी हो जाती है? पोटाश की मात्रा लमसम हो जाती है इसमें लमसम में यहाँ अरे 20 लमसम 20 किलो पड़ जाती है। पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, तो आप जो इसका खेत तैयार करते हैं तो खेत किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, मतलब ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं? ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं, जोताई करके जी। अच्छा, तो आप बुआई के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं, खुरपी से बोते हैं या फिर? खुरपी से बोते हैं। खुरपी से बोते हैं। अच्छा, तो इसकी जो दूरी होती है पौधे से पौधे की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? एक फीट की दूरी होनी चाहिए, एक फीट के बाहर लमसम होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो आप जो ये खेती कर रहे हैं तो इसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है? सिंचाई का जब मान लो पानी जो है लगाना है जी जी, तो 8 या 5 पानी लगा जाए। पानी लग जाता है। इसमें जो है जी, तो नमी बनी रहे। नमी मतलब बराबर बनी रहे। बनी रहे। अच्छा अच्छा, तो अच्छा इसमें जैसे हम देख रहे हैं इस समय थोड़ा रोग वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ, तो पानी नहीं लगा है इसलिए, ये मतलब पानी की कमी से जी। और इसमें रोग तो कोई ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा, तो आप इसमें सिंचाई कर देते हैं तो ये जो रोग टाइप का दिख रहा है ये सब सही हो जाएगा ना? चलिए अच्छी बात है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि आपको एक बीघे में इसका उत्पादन कितना मिल जाता है, कितनी पैदावार मिल जाती है? इसका उत्पादन जो है मिलता है लमसम यहाँ जो पैदा हो जाए जी जी, तो 20-25 के आसपास में हो जाता है। 20-25 क्विंटल के आसपास में एक बीघे में। अच्छा, तो अगर आप इसकी मतलब बेचते हैं तो कहाँ पे बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं या फिर? मंडी। मंडी में जाती है। अच्छा, तो इसका रेट क्या मिल जाता है आपको? लगभग 40-45 के अर्थवर्ध में हो जाता है। अच्छा, आप 1 kg का जो है रेट आपको 40 के आसपास में मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एक कुंटल 4,000 का हो जाएगा। तो आपका बीघे में अगर जो उत्पादन की बात करें तो लगभग कितना हो जाता होगा? अरे लमसम में एक बीघे में 30-40 हज़ार का जी। चलिए अच्छी बात है। तो हमको मान लो पिपरमिंट से घुइयां में पड़ता है। अच्छा अच्छा, आप जैसे इस समय उसकी मेंथा की खेती चल रही थी। हाँ। आपने उसको नहीं लगाया है ना, ना। आपने इसकी घुइयां की खेती की? की खेती लगाया। अच्छा, आपको उससे इस समय ज़्यादा फायदा मिल रहा है इसीलिए करते हैं जी। चलिए अच्छी बात है। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अभी डाउनलोड कीजिए कृषि नेटवर्क ऐप। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।